मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा में एनसीसी इकाई द्वारा वन डे इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अजय कुमार सिंह, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर इफ्तखार अहमद एवं कैप्टन इंसान अली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों का सम्मान पाक चादर और उपहार के द्वारा किया गया। कर्नल अजय कुमार सिंह को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। कर्नल अजय सिंह ने भारतीय सेना के सच्चे धर्म निरपेक्षता पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा, हम भारतीय एक हैं और हम अखंड रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ईच वन टीच वन प्रोग्राम पर भी विशेष जोर दिया तथा दूसरा चरण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने एनसीसी के चरित्र निर्माण पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अंडर ऑफिसर करण कुमार पांडे द्वारा किया गया तथा समापन कार्यक्रम सीटीओ जमशेद आलम द्वारा किया गया। का दिन है जो मैं समझता हूं कि जब से मैं 2003 से एएनओ रहा 2021 तक और पहले सीओ साहब हैं जिनका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं, जिन्होंने मिल्लत कॉलेज पधार कर हम सभी कैडेटों का हौसला अफजाई करने आए हैं, इनके लिए ताली हम। मैं बहुत सीओ साहब के साथ काम मुझे करने का मौका मिला, लेकिन मैं तो बाहर रहा। 2021 फरवरी में रिटायर कर गया एनसीसी से और मुझे बाहर से पता चलता ही रहा। जब से सीओ साहब आए, मैं इतना जानता हूँ कि इतना काम कर रहे हैं बटालियन में जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। आप सुने होंगे जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आए हुए हैं आपके हेड दरभंगा के, इन्होंने बहुत मेहनत किया है एनसीसी को सुधारने के लिए। ऐसे मेरे बच्चे एनसीसी ले, मैं भी एनसीसी रखा हुआ था, एक पास किया स्कूल में था, जिला स्कूल भागलपुर में, बी पास किया सर्टिफिकेट टेनवी कॉलेज भागलपुर में, ग्रेजुएशन में था, सी सर्टिफिकेट लास्ट ईयर मैंने पास किया। एनसीसी आपको जिंदगी गुजारने के एक सही तरीका सिखाती है। आप सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग अपनी तैयारी कीजिए, डिसिप्लिन से रहिए, जो समाज में गंदगी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। हमारा समाज, आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, क्या हाल है, भूख लगी आप लोगों को, पक्का? सबसे पहले मैं मिल्लत कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल साहब, जितने भी उपस्थित यहाँ पे विद्वान हैं, सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने, सबको सुनाई दे रहा है बेटा लास्ट में, ओके मैं बिल्कुल क्लियर या सिर्फ आवाज़ आ रहा है? ओके तो ये मंच दिया आप लोगों ने बोलने के लिए मुझे, अपने बच्चों को, अपने भाई और बहन को एड्रेस करने के लिए। ये आप लोगों के लिए आम बात है, ऐसे मंच का होना, सामने कुछ लोग को सुनने के लिए बैठा होना, परंतु हम फौजियों के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमें कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी पब्लिक
गैदरिंग को एड्रेस करूं, किसी प्रेस में मैं अपनी वक्तव्य दूं या कविता के माध्यम से किसी को अपनी बात रखूं, ये आज़ादी हम में नहीं है। परंतु एनसीसी में जब हम डिपुटेशन पे आते हैं तो ये हमें छूट मिलती है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं, और वो भी लिमिटेड है ओनली टू द कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स। सो उसी कानूनी हैसियत के हिसाब से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। परंतु कभी कभी जब मैं दूसरे क्षेत्रों में काम करता था तो वो जो बिल्कुल मेरे लिए दायरा बना है उससे मैं बाहर नहीं गुजरता था। परंतु दरभंगा में आने के बाद में अनायास मेरे में एक परिवर्तन मेरे चरित्र में आया, और जब मैं खड़ा आप लोगों के सामने होता हूँ तो मेरे कंधे पे दो जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक कि मैं एक सेना अधिकारी हूँ, मुझे अपने सैनिक कार्य काम और उसके दायरे हैं, उससे बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी जिम्मेवारी ये है कि चूंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पे पला बड़ा, इसी मिट्टी का बना हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद ये मेरे लिए मौका है कि मैं अपने घर के बच्चों को जिस शिद्दत से, जिस ऑनेस्टी से मैं एड्रेस करता हूँ या सिखलाता हूँ या समझाता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मैं बात कर सकूँ। सो आज जो मैं बात करूँगा, मैं अपनी दो हैसियत से बात करूँगा, एक मिलिट्री अफसर होने के नाते और दूसरा तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा पिता और तुम्हारा चाचा होने के नाते मैं बात करूँगा, ठीक है।